क्या राधे की शूटिंग हो चुकी है कंप्लीट क्या राधे में वाकई एक भी गाना नहीं होने वाला क्या होने वाली है राधे की खास बातें हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज मैं हूं सोनिका का कई टाइम से राधे से ख़बरें आ रही हैं कि राधे में एक भी गाना नहीं होगा और वो ये खबरें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि जैसे दबंग में राधे यानी कि सलमान खान का फ़नी सा कैरेक्टर था तो वहाँ पर गानों की ज़रूरत थी राधे में एक सीरियस किरदार होने वाला है तो क्या कहा जा रहा है कि गाने नहीं होंगे लेकिन ये सारी की सारी अफवाहें हैं इन पर भरोसा ना करें क्योंकि राधे के सब गानों ही गानों में दस से बारह करोड़ का ग्रैंड खर्चा किया गया है तो गाने कैसे नहीं होंगे इसकी कोरियोग्राफी में ही इतना ख़र्चा किया गया है कोरियोग्राफर बहुत बड़े बड़े जैसे कि बॉस्को सीजर सबीना खान अब इनका बजट आप जानते इतना बड़ा है तो क्यों नहीं होंगे गाने तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए एक से बढ़कर एक गाने होंगे आपने अल्लू अर्जुन का एक गाना सुना होगा सिटी मार सिटी मार वो भी होने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज है अगर ये गाना इस फिल्म में हो गया तो ब्लॉकबस्टर हिट होगी ये फिल्म क्योंकि अल्लू अर्जुन का ये गाना पार्टीज की जान होता है तो हमें तो बड़ा खुशी हो रही है कि ये गाना इसमें एक्साइटमेंट भी है इसके अलावा आपको बता दें हिमेश रेशमिया का भी एक गाना होने वाला है साजिद वाजिद का एक गाना होने वाला है और जैकलिन के बारे में आप जानते हैं जैकलिन का एक आइटम नंबर होने वाला है इसके अलावा दिशा पाटनी द हॉट सिजलिंग दिशा पाटनी और सलमान खान के रोमांटिक गाना इसमें होने वाला है जो कि हाल ही में एम वैली में शूट किया गया था इसके अलावा जो टाइटल ट्रैक होने वाला है वो धमाका मचा गाने वो हो, वाला होगा राधे का जो कि जल्द ही आएगा सिचुएशनल इसमें गाने होंगे मतलब कि जबरदस्ती नहीं घुसा जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने आएंगे इसके अलावा आपको बता दें एक सीन होने वाला है इसमें जिसमें सलमान खान 400 से 500 रिक्शा रोकते हुए नजर आएंगे वो आइकॉनिक सीन होगा जैसे कि वांटेड में आपको याद होगा जब उन्होंने गाड़ियाँ रुकाई थी और आयशा चाकिया से सीटी बजवाई थी तो इसी तरह का एक सीन इस फिल्म में होने वाला है इसी के अलावा श्रेया घोषाल की आवाज़ भी आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही स्वीट और मेलोडियस वॉइस होती है तो बड़ा मज़ा आने वाला है इसके अलावा आपको बता दें डबिंग वर्क बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है ऑडियो गाइज में और जो संगाई है फिल्म के विलन उनका जो रोल होने वाला है विलन का होने वाला है और उन्होंने अपनी डबिंग स्टार्ट कर दी है कुछ फ़ोटो शेयर किए हैं जिसमें वो कितने इंटेंसिव लग रहे हैं देखिए और वो स्टार्ट कर चुके हैं अपनी मतलब ख़त्म हो चुकी है उनकी डबिंग और अब धीरे धीरे सबके सब स्टार अपनी डबिंग शुरू करेंगे वी पर तगड़ा काम चल रहा है यानी कि फिल्म रैपअप करने की जल्द से जल्द तैयारी है लेकिन ये अगले साल ही आएगी ईद के मौके पर बारह मई को कहा जा रहा है और उसी दिन सत्यमेव जयते की टीम ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी फिल्म रिलीज करने वाले यानी कि एक क्लैश देखने को मिल सकता है राधे और सत्य में जयते टू का इसके अलावा सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्द से जल्द अपनी फिल्में खत्म करने की तैयारी में है टाइगर थ्री का शूट वो फेबरवरी से शुरू करेंगे जो कि बहुत बड़ी बात है तो क्योंकि टाइगर थ्री का सभी को इंतजार रहता है इस बार भी कटरीना कैफ आपको नजर आएंगी लेकिन मनीष शर्मा जो कि फैन को डायरेक्ट कर चुके हैं वो इस बार टाइगर थ्री को डायरेक्ट करने वाले हैं और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कहा जा रहा है कि 16 जगहों में शूटिंग होगी और सात से आठ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की शूटिंग होगी तो ये भी जो शूटिंग लोकेशंस है वो टाइगर सीरीज़ की बड़ी बात होती है और हमें अलग अलग जगह देखने का मौका मिल जाता है तो दोस्तों इसके अलावा इंडियाना जोन जो कि हॉलीवुड सीरीज़ है उसका हिंदी रीमेक करने वाले हैं सलमान खान तो बहुत सारी फ़िल्में हैं गन्स ऑफ नॉर्थ है और सलमान खान चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी शूटिंग ख़त्म करें ताकि आपको जल्द से जल्द पर्दे पर नज़र आए आपको अपने चुलबुल पांडे का पर्दे पर देखने का कितना इंतज़ार है राधे का कितना इंतजार है और इन सभी गानों का कितना इंतज़ार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज़ के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा आपके चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को